गुड मॉर्निंग वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल आप लोगों ने हमारा ए 2020 का वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा काफ़ी अच्छा व्यूज भी है इसमें तो आइए हम लोग इसमें बात करते हैं ए 2021 में अब जो वैकेंसी आएगी जून 2021 में तो उस वैकेंसी में आप लोगों को ए का जो भर्ती होगा वो किस तरह से होगा सबसे पहले आप लोग एक डाउट क्लियर कर लीजिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेलवे प्राइवेट हो गई इसमें अब वैकेंसी नहीं आएगी आप लोगों को पता होना चाहिए एन टी पी सी या ग्रुप डी का एग्जाम अब होने वाली है इसकी सब कुछ बिल्कुल शुरू हो चुकी है तो ए का जो पोस्ट है वो रेलवे में चाहे पूरी पूरी रेलवे प्राइवेट ही क्यों ना हो जाए तब भी ए का जो पोस्ट है कभी ख़त्म नहीं होगी वो बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था वैसा ही बिल्कुल चलती रहेगी वैसे इसका असर नहीं पड़ेगा जो भी मेन मेन पोस्ट है रेलवे में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा हमने बहुत सारा वीडियो बनाकर रखा है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप उसको जाकर देख कर क्लियर कि हो जाइए और आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए अपने पढ़ाई में क्योंकि हमें डिस्टर्बिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप एक बार डिस्टर्ब हो गए तो आपको इस पर वापस आने में अपने पढ़ाई की दुनिया में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा या फिर यूँ समझिए कि आपका पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि बिल्कुल आप लोग पढ़ाई पर बिल्कुल 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 फोकस रखिए वैकेंसी ज़रूर आएगी हंड्रेड परसेंट आएगी मैं आपको इस बात का गारंटी लेता हूँ मैं दो मैं दो हज़ार चौदह में अररबी मुजफ्फ़रपुर से और दो हज़ार अठारह में अररबी मुजफ्फरपुर से ही मैं दो बार लोको पायलट एग्जाम को बिल्कुल क्लियर किया हूँ और लेकिन मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट है इसलिए मैं दूसरा काम करता हूँ लोको पायलट के लिए रेलगाड़ी मैं नहीं चलाता हूँ और मैं आप लोगों को कोचिंग पढ़ाता हूँ तो देखिए हम लोग इसमें बात करने वाले हैं दो ए एल पी दो हज़ार इक्कीस में इसको भरने के लिए आपके पास क्या सब बिल्कुल पहले क्वालिफिकेशन क्या सब होनी चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेन प्लस टू होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं बस ओनली मैट्रिकुलेशन चाहिए यानी कि टेंथ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें भी कितना ओनली पासिंग इसमें भी कोई बिल्कुल भी परसेंटेज इसमें निर्धारित नहीं कि जो पचास परसेंट है उसी का होगा साठ परसेंट वही परसेंट ऐसा कुछ भी नहीं ओनली पासिंग जो भी स्टूडेंट पास है मैट्रिक वो भर सकता है लेकिन उसके पास एक टेक्निकल डिग्री होने चाहिए टेक्निकल डिग्री में क्या सब है कम से कम आई टी आई आई टी आई होती है दो सारा कोर्स जो कि मैट्रिक के जस्ट बाद पढ़ सकते हैं या फिर कभी भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम मैट्रिक के बाद कर सकते हैं इसके बाद देखिए आई टी आई है तब भी चलेगा आई टी आई अगर आपके पास नहीं है डिप्लोमा है यानी कि पॉलिटेक्निक है उस पर भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है आप कुछ इससे भी अच्छा कर चुके हैं जैसे कि बी टेक हो गया बी ई हो गया तब भी आप बन सकते हैं आई टी जो चलिए हम लोग अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की एज लिमिट 18 से लेकर के 30 साल तक होती है जनरल वालों के लिए 18 से कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए जब फॉर्म निकले उस समय और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल जनरल के लिए ओ को इसमें तीन साल की छूट मिलती है एस और एस कैटेगरी के स्टूडेंट को पाँच साल की छूट मिलती है इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ जानना है हमसे तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए एट फोर जीरो सिक्स एट नाइन ट्रिपल वन सिक्स आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए आपको कोई भी जानकारी हो मिल जाएगी अब आप देखिए आपको वैकेंसी का पता कैसे चलेगा तो वैसे देखिए ए का वैकेंसी निकलता है या फिर टेक्नीशियन ए दोनों बिल्कुल साथ में निकलता है और ये पच्चीस हज़ार से लेकर पचास हज़ार के बीच में निकलता है वैकेंसी तो इसकी जानकारी आपको वैसे एक तो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी दूसरी है कि आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए आपको हम व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर देंगे या फिर हम स्टेटस में डालेंगे आप वहाँ पर देख लीजिए व्हाट्सएप पर इसके अलावा एल की जो वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर निकलती है इसलिए ज़रूर से ज़रूर आपको पता चल ही जाएगी तो आइए हम लोग बात करते हैं इसमें और क्या सब चीज़ इसमें जब आप फॉर्म डाल दिए अरबिक वेबसाइट पे फॉर्म डालती है ऑनलाइन फॉर्म डालती है और इसका एग्ज़ाम भी होगा आपका ऑनलाइन तो आइए देखिए इसके एग्जाम के बारे में हम लोग बात करते हैं इसमें देखिए आपको कितने सारे एग्जाम होंगे तो वो देख लीजिए आपका सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा आपका सी बी टी वन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन इसमें तीन एग्जाम होती है तीन एग्जाम का सबसे पहला चरण होता है सी बी टी वन सी बी टी वन एग्जाम जो है पचहत्तर नंबर की होती है यानी फाइव मार्क्स की होती है एग्जाम और इसमें आपको साठ महीने सिक्सटी मिनट का आपको समय मिलता है और ये एग्ज़ाम जो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब क्या कि इसका जो नंबर है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा लेकिन जब आप सी बी टी वन एग्जाम को पास करिएगा तभी आपको सी बी टी टू एग्जाम के लिए आप फॉर्म भर पाइएगा तो सी बी टी वन एग्जाम के लिए जो रेलवे की तरफ से मिनिमम एक स्कोर रखा गया पासिंग मार्क रखा गया है वो कुछ इस तरह से है कि चालीस परसेंट नंबर जो है वो है जनरल कैटेगरी के, के लिए जनरल के लिए चालीस परसेंट नंबर है तीस परसेंट नंबर जो है वो ओ बी सी और एस ओ बी सी और एस सी कैटेगरी के लिए है और इसके अलावा पच्चीस परसेंट जो नंबर है वो एस टी एस टी कैटगरी एस टी कैटगोरी के लिए है पच्चीस परसेंट नंबर तो कुछ इस तरह से है तो अब आगे भी इसी तरह से है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है इसका कोई मतलब नहीं बनता है चालीस परसेंतीस नंबर तो हर कोई स्टूडेंट ला सकता है तो इसमें देखिए आपको कितना परसेंट नंबर लाना होगा हमारे अनुसार पचास से साठ पचास से साठ नंबर आपको लाना है पचहत्तर नंबर यानी कि सेवेंटी फाइव नंबर का टोटल है इसमें से 60 आपको पचास से साठ नंबर आपको लाना है तब तो आप बिल्कुल कंफर्म आपका रिजल्ट निकल जाएगा क्वालिफाई बिल्कुल आप हो जाए वैकेंसी से बीस गुना ज़्यादा रिजल्ट देता है इसमें सी बी में सी बी में।, में एक चीज और बता दो इसका सिलेबस क्या है पैटर्न क्या है तो इसका सिलेबस कुछ इस तरह से है मैथ और रीजनिंग ये चालीस नंबर का पूछेगा आपका बीस नंबर मैथ बीस नंबर रीजनिंग इसके बाद देखिए पच्चीस आप नंबर आपको पूछेगा साइंस में से फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी पच्चीस नंबर टोटल कितना हुआ पैंसठ नंबर अब बचेगा कितना दस नंबर दस नवंबर में देखिए आपको पाँच से सात क्वेश्चन आपका पूछ लेगा करंट अफेयर्स में से अब बस तीन से चार क्वेश्चन ही पूछता है जनरल जी जनरल जी के में जिसमें कि हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस बेसिक जीके गेम जीके ये सब कुछ आते हैं तो जीके में से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता है चलिए आपका सी बी टी वन के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए हमें वो मिल गई है अब हम लोग बात करते हैं सी बी टी टू एग्जाम के बारे में तो रेलवे एग्जाम में जब आप लोग सी बी वन एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको रेलवे फिर से फॉर्म भरवाती है और आपको बोलता है कि सी बी टी टू एग्जाम के लिए आप लोग फॉर्म भरी तो अब देखिए सी बी टी टू एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट है यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है लोको पाल्ट के लिए सबसे ज़्यादा मेन एग्जाम है सी बी एग्जाम तो देखिए रेलवे का जो सी बी एग्जाम है वो देखिए ये देखिए दो भाग में होता है सी बी टू एग्जाम जो है ए एल पी सी बी टू एग्जाम ये देखिए दो पार्ट में होता है ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का क्या चक्कर है भाई देखिए पार्ट ए में जो आपका क्वेश्चन पूछता है एक सौ क्वेश्चन होता है इसमें आपको नब्बे मिनट का समय होता है एक सौ क्वेश्चन नब्बे मिनट का समय इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना है अब देखिए इसमें 100 क्वेश्चन 90 मिनट का समय है इसमें आपको लगभग 75 फाइव टू एट्टी परसेंट अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका 100 परसेंट कन्फर्म रिजल्ट आएगी अगर आपका इससे कम आत नंबर आता है तो थोड़े चांसेस घट जाएंगे आपके रिजल्ट निकलने का पार्ट बी जो है वो भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है इसमें एस सी एस टी जनरल ओ सबको क्या <coughs> इसमें सबको क्या करना है थर्टी नंबर थर्टी सॉरी इसके लिए थर्टी फाइव परसेंट नंबर जो है लाना है सभी को वो भी किसमें है ट्रेड टेस्ट सी बी टी टू ए एल पी सी बी टी टू एग्जाम का पार्ट भी जो है वो होता है ट्रेड टेस्ट यानी आपने आई टी आई फीटर में किया इलेक्ट्रीशियन में किया इलेक्ट्रॉनिक में किया आर एस सी में किया किसी में भी किया तो आपको एक ट्रेड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा या फिर आप डिप्लोमा किए बी टेक किए तो आपको जब सी बी टी वन एग्ज़ाम को पास किए सी बी टी टू एग्जाम के लिए जब आप फॉर्म डाल रहे होंगे तो उसी समय आपसे पूछ लेगा कि आपका जो है वो ट्रेड क्या है आपने क्या ट्रेड अपने सेलेक्ट किया क्या ट्रेड आपने चुना है अगर आपने मान लिया इलेक्ट्रीशियन चुन लिया तो आपको सेवेंटी फाइव जो क्वेश्चन है पचहत्तर क्वेश्चन जो है आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछे जा, पूछे जाएंगे आई टी आई के इसके अलावा देखिए अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स चुन लिया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपने रेफ्रिजरेशन चुन लिया तो आपको रेफ्रिजरेशन से पचहत्तर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी आपने जो ट्रेड सेलेक्ट किया आपको उस ट्रेड में से सेवेंटी फाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका थर्टी फाइव परसेंट नंबर आपको लाना है किसी भी तरह से अगर आप सेवेंटी फाइव थर्टी फाइव परसेंट नंबर नहीं ला पाए तो भले ही आपका एक सौ में एक सौ नंबर हो जाए तब तो आप नहीं निकल पाएंगे तो थर्टी फाइव परसेंट नंबर लाना अनिवार्य है लेकिन इसका जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है अगर आप इस पचहत्तर पचहत्तर में पचहत्तर ले आए तभी उसका भी उतना ही वैल्यू जितना आप पचहत्तर में पैंतीस लाते हैं तो मेन जो है सी बी टी टू का पार्ट ए है ये आपका मेरिट लिस्ट में जुटता है इसमें से आपने जितना भी नंबर लाया इसका आप सेवेंटी परसेंट आप ध्यान में रखिए सेवेंटी परसेंट नंबर आपका यहाँ से निकालेगा और सी बी टी थ्री एग्ज़ाम जो है उसका आपको थर्टी परसेंट नंबर निकाल के दोनों को मिक्स करके आपका मेरिट तैयार करेगा इसके बाद आपको डी के लिए सिलेक्शन मिलेगी वो भी चीज़ हम बता रहे हैं आगे पूरा देखिएगा वीडियो को जरूर जरूर अब हम लोग बात करते हैं दोनों के सिलेबस के बारे में सी बी टी टू एग्जाम का पार्ट ए जो है उसका हम आपको सिलेबस बता देते हैं देखिए सी बी टू एग्जाम का पार्ट ए में जो सिलेबस है वो देखिए आपका मैथ और रीजनिंग मैथ प्लस रीजनिंग को मिला करके कितना क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला करके ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका पचास पचास क्वेश्चन जो आपका मैथ प्लस रीजनिंग मिला के पच्चीस पच्चीस मार्क लीजिए और इसके में देखिए एक अलग से एक पेपर आया है जिसका कि आपने 2018 एग्जाम से पहले कभी कोई चर्चा नहीं की सुने होंगे वो है बेसिक साइंस एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बी एस सी हम कहते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का टॉपिक जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस वाले तो नहीं आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीन मेनली है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इसका जो बेसिक पेपर है उसमें से क्वेश्चन पूछता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें से क्वेश्चन पूछता है पूरे के पूरे चालीस क्वेश्चन इसमें से आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके आए हैं या डिप्लोमा करके आए हैं उसके लिए तो ये पेपर बहुत आसान होती है लेकिन जो स्टूडेंट आईटीआई करके आते हैं उसके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है नहीं के बराबर बनता है क्वेश्चन इसलिए उनको इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मैक्सिमम आई के स्टूडेंट जो है इसी में आकर फंसते हैं और और जो बी टेक भी डिप्लोमा किए हैं उनका उनका तो नॉर्मली निकल जाता है उनके लिए तो अच्छी खबर है ये अब देखिए ये रहा और दस क्वेश्चन आपका जी के प्लस करंट अफेयर्स में से आ जाएगा तो ये सब मैथ रीजनिंग और ये रहा इसका सिलेबस ये रहा अब देखिए इसका पार्ट टू जो है ट्रेड टेस्ट है उसमें जो आपने आई में जो दो साल किया है उसका बस थ्योरी पेपर निकाल लीजिए उसमें से आपको पचहत्तर में से कोई भी एक टॉपिक पूछ लेगा चले इसमें ये टॉपिक हो गया क्लियर अब हम लोग बात कर लेते हैं सी बी का सी बी टी थ्री के बारे में सी बी टी थ्री जो है ए एल पी सी बी टी थ्री जो है वो है इसको बोलते हैं साइको टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट ये क्या होती है तो आप लोग अगर लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो सी बी टी वन और सी बी टी टू ये दोनों पेपर की तैयारी करिए सी बी टी थ्री की तैयारी आप अभी मत करिए सी बी टी वन एग्ज़ाम सी बी टी टू एग्जाम निकलने के बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ आठ दिन का कोर्स है सिर्फ और सिर्फ आठ दिन का सात से आठ दिन के अंदर में आप सी बी टी थ्री एग्जाम की तैयारी आप कर पाएंगे हंड्रेड परसेंट कर पाएंगे अगर आप सी बी टी थ्री एग्जाम यानी कि साइको टेस्ट की तैयारी आप अभी से अगर आप करने शुरू कर देंगे तो आपका सी बी टी थ्री एग्जाम फर्स्ट जाएगा ये एक अलग टाइप का पेपर होता है बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ने की चीज़ है आठ दिन का कोर्स है आप इसको करिए आप इजिली अभी इस एग्जाम को निकाल पाएंगे इसमें ये भी क्वालिफाइंग है फोर्टी टू परसेंट नंबर इसमें आपको लाना है फोर्टी टू परसेंट नंबर एक समय फोर्टी टू परसेंट नंबर लाना ईजी ही, ही होता है लेकिन इसमें इसका आप जितना ज़्यादा नंबर आएगा उसमें थर्टी परसेंट निकालेगा और सी बी टी टू का पार्ट ए में से सेवेंटी परसेंट नंबर निकाला दोनों मिलकर करके इसको मिक्स करके जोड़ के आपका मेरिट तैयार कर देगा तो सी बी टी थ्री एग्ज़ाम साइको टेस्ट होती है उसमें पाँच टाइप का क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर पर ही होती है ये बिल्कुल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है ज़्यादा भारी नहीं होता बहुत ही ईजी होता है सात दिन का ही कोर्स है फिलहाल आप लोग सी बी टी वन सी बी टी टू एग्जाम को बिल्कुल ध्यान में रख के पढ़ाई करिए अब मान लीजिए सी बी एग्जाम सी बी एग्जाम और सी बी एग्जाम तीनों एग्जाम को आपने पास कर लिया इसके बाद आपका कौन सा प्रक्रिया होता है इसके बाद डी वी डी वी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है डी वी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंटरव्यू होता है क्या बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं इंटरव्यू होता है क्या रेलवे में मतलब कि रेलवे में मतलब नॉर्मल इंटरव्यू होता नहीं है इंटरव्यू मतलब क्या आपसे आपके सर्टिफिकेट के बारे में पूछा है जब आपने सी बी टी वन एग्जाम से जस्ट पहले जो आपने जब रेलवे की फॉर्म भरे थे उस समय जो आपने सर्टिफिकेट वहाँ पर डाला था चाहे जाति प्रमाण पत्र हो चाहे मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है एडमिट कार्ड है मार्कशीट है या फिर इंटरमीडिएट का जो भी आपने पेपर वहाँ पर पे दिया था आपको क्या डी वी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेगा जाति प्रमाण पत्र जो उस टाइम दिए थे वो भी मांगेगा और जब आपको अभी का करंट का बना हुआ डीएम से या फिर भारत सरकार द्वारा गजेटेड ऑफिसर से आपको बनवा के देना पड़ता है अनुमंडलीय पदाधिकारी से बनवा के दीजिए या फिर डीएम से बनवा के दीजिए दोनों से आप दोनों में से किसी से भी बनवा के आप दे सकते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आपका किसी भी प्रमाण पत्र में कोई नाम गलत है डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपको वहाँ पर खुद का मतलब कोर्ट से आपको एफिडेविट करवा के वहाँ पर देना पड़ेगा बहुत सारे एक्सप्रेंड हमसे ये भी पूछते रहते हैं कि सर मेरा अभी मतलब कि इसमें मेरा नाम है मुकेश कुमार मेरा नाम है मतलब कि आई के सर्टिफिकेट में और मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है मतलब कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में क्या हमें छाट देगा तो आपको छाटेगा नहीं लेकिन आपको इसमें एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अपने तरफ से एक शपथ पत्र देना पड़ेगा यानी कि आपको अपने नज़दीकी कोर्ट से आपको एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा कि हाँ मैं ही मुकेश कुमार भी हूँ और मैं ही मुकेश कुमार सिंह भी हूँ क्योंकि एक बार जो सर्टिफिकेट बन गई सरकारी वो तो बनी ही रहेगी तो ये थोड़ी सी दिक्कत है आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बिल्कुल एक या मतलब एक या डेढ़ घंटे का काम होता है आपका जो भी सर्टिफिकेट आपका है ओरिजिनल आप वहाँ पर दिखाइए आपका अगर सच में ओरिजिनल है तो आपको वहाँ पे ओके कर दिए अगर आपने कोई फ्रॉड किया है रेलवे के साथ में मान लिया आपने किसी का स्कैन करवा के वहाँ पे दे दिया और आप सोचे वही दिखा के हम इसमें नौकरी ले, ले लेंगे तो ऐसा नहीं होता सब कुछ ऑनलाइन चेक होता है आप अगर वहाँ पर पकड़े जाते हैं तो आपको आजीवन आपको जेल भी हो सकती है नहीं तो आपको आजीवन यानी कि जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपको रेलवे के एग्ज़ाम से आपको वंचित किया जाएगा आपको ब्लॉक लिस्टेड कर दिया जाएगा इसलिए आप ऐसे चीज़ों में मत पड़िए बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ ही दीजिए ओके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस इतना ही अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को रेलवे के मेडिकल के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूजन होता है सोचता है कि मेडिकल कैसे होता है क्या हमारा बस बहुत सारे लोग मेरा एक छोटा सा उंगली जो ने कटा हुआ है क्या हमको छाट देगा तो इसके लिए नहीं छाटेगा <coughs> इसके अलावा देखिए कहीं पे आपने कभी टैटू बनवा लिया यहाँ पे लिख लिया बाबू आई लव यू ये सब चीज़ के लिए छाटेगा तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं छाटेगा टैटू के लिए वो सबके लिए नहीं छाटे देहाती भाषा में बोलते हैं गोधना गोधवा देना वो सबके लिए बिल्कुल भी नहीं छाटेगा तो छोटा मोटा कहीं कट पीट है उसके लिए कोई नहीं छाटेगा आपका मार बचपन मान लीजिए आपका पैर टूट गया हाथ टूट गया और बीच में स्टील डाल करके आपका हाथ को दोबारा से बनाया गया था डॉक्टर के द्वारा अभी आपका हाथ बिल्कुल सही से काम कर रहा है तो उसके लिए भी बिल्कुल भी नहीं छाटेगा लेकिन वहाँ पे हर एक चीज़ का चेक किया कोई बहुत आपके पास बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जो दिल की बीमारी या फिर एड्स या फिर कैंसर अगर आपके पास ये सब चीज बीमारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आपको वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छाटेगा और ये मेडिकल के लिए आपका दो दिन का समय लगेगा एक दिन और दो दिन क्योंकि बहुत टाइप के टेस्ट होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मेनली होता है आपका आँख का टेस्ट इसमें देखिए सिक्स बाई सिक्स चाहिए आपका आँख कलर विजन ये सब नहीं होनी चाहिए और बिना चश्मों का होना चाहिए भले ही आप अभी थोड़ा मोड़ा चश्मा लगा लेते हैं जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं लोको पायलट का तो आपको चश्मा बिल्कुल भी वहां पर नहीं चाहिए अगर आपका चश्मा है आप चश्मा के बिना आप टेस्ट देने को रेडी नहीं है तो आपको उसी समय छाट दिया जाएगा अब देखिए एक चीज एक चीज फंसती है यहाँ पे मेडिकल बिल्कुल इजी होता है बहुत सारे लोग लगता है जिस तरह से आर्मी में मेडिकल लेता है हाथ ऐसे फैलाया थोड़ा सा भी हाथ अगर टेढ़ा हाँ निकल गया तो उसको छांट दिया ऐसा कुछ नहीं होता इसमें बस वो नॉर्मली आपका बॉडी का चेकअप होगा अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि मेरी हाइट कम है ज़्यादा है इसका क्या फर्क पड़ेगा तो वहां पे कभी भी हाइट चेक किया ही नहीं जाता या फिर उसमें रनिंग बहु, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन कि उसमें रनिंग लेता है या रनिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेता है बस मेडिकल नॉर्मली आपका बॉडी चेकअप होता है आपका सब कुछ बिल्कुल सही से काम करना चाहिए एक मैं आपको बता दें एक स्टूडेंट जो था उसका जो बिल्कुल गर्दन जो था ना बिल्कुल फिक्स था जैसे कि हम हमको अगर उधर देखना होगा तो हम लोग बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं अगर हमको इधर देखना है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं उस स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम था उसको बोला देखने के लिए उधर तो वो क्या किया वो ऐसे देखा फिर उसको इधर उधर देखने के लिए उसको ऐसे देखा तो इसमें क्या हुआ कि उसका गर्दन जो था ना बिल्कुल फिक्स था उसको बिल्कुल बचपन से ही प्रॉब्लम थी तो इसलिए उसको छांट दिया गया क्योंकि गर्दन तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए बिल्कुल रेयर एक बीमारी है उसके लिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी तो आइए हम लोग बात करते हैं अब मेडिकल हो गया आपका सीबीटी वन एग्जाम हो गया सीबीटी टू हो गया सीबीटी थ्री हो गया मेडिकल भी आपका हो गया तो अब इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी अब ज्वाइनिंग में आप छः महीने का ट्रेनिंग करिए ट्रेनिंग में अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि मेरा इलेक्ट्रीसियन है क्या हमको सिर्फ़ इलेक्ट्रिक इंजन मिलेगी बहुत सारे लोग लगता है कि हम फीटर से या डीजल मैकेनिक्स से हैं तो क्या हमको सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन मिलेगी तो ऐसा कुछ नहीं है आपको इलेक्ट्रिक भी मिलेगी डीजल भी मिलेगी इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है आपको दोनों चीज़ का वहाँ पर ट्रेनिंग मिल जाएगा कि और उसके बाद सेमुलेटर पर सब कुछ होता है छः महीने के अंदर आपको पूरा ट्रेनिंग मिल जाएगी इसके बाद आपका छः महीना जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको आधा वेतन दिया जाएगा पंद्रह से बीस हजार के बीच आती है उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाता है रेलवे में कभी भी रेलवे में डायरेक्टली आपको लोको पायलट नहीं बनाया जाता है आपको रेलवे में क्या बनाया जाता है ए आपने हजारों बार सुना है ए बोले तो असिस्टेंट लोको पायलट आपका काम क्या होगा लोको पायलट का जो मेन लोको पायलट है आपका कम से कम तीन साल का जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी तो आप रेलगाड़ी चला सकते हैं तो आप बन जाएगा। एल बन जाएंगे एल यानी कि लोको पायलट फिलहाल आप तीन से लेकर कर पाँच साल सात साल तक आप ए रहेंगे उसी में फिर सीनियर ए बन जाएंगे अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि आ, क्या हमको जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी मिलेगी चलाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है आपको असिस्टेंट लोको पायलट रहते हुए आपको राजधानी एक्सप्रेस भी मिलेगी चलाने के लिए आपको मिलेगी मालगाड़ी भी मिलेगी पैसेंजर भी मिलेगी हर तरह के आपको ट्रेन ही मिलेगा कि चलाने के लिए तो मैं आपको क्या करना बस लोको पायलट है उसको आपको असिस्ट करना है और दोनों मिल करके आपको ट्रेन को चलाना है इंजन आपका मेन है ये सब चीज़ें तो बस इसमें आपका सैलरी कितना है आपको थर्टी यानी कि तीस हज़ार से लेकर के पैंतीस हज़ार तक स्टार्ट होगी आप जितना ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगी किसी किसी असिस्टेंट को हम देखें पचास हज़ार पचपन हज़ार भी उठाता है और किसी किसी मेन लोको लोकोपाल को देखें वो चालीस हज़ार ही उठाता है जो आप बिल्कुल दिन रात मिलकर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी क्योंकि इसमें रनिंग अलाउंस मिलती है और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं जिससे इसकी सैलरी और सबसे ज़्यादा बन जाती है अब हम एक टॉपिक बात करेंगे कि वो टॉपिक अभी तक छूटा हुआ है जैसे कि ए एल पी एल पी और टेक्नीसियन दोनों का पोस्ट बिल्कुल साथ साथ निकलता है तो टेक्नीशियन की भर्ती कैसे होती है सी बी टी वन एग्जाम सी बी टी टू एग्ज़ाम का दोनों पेपर ए एल पी वाला स्टूडेंट भी और टेक्नीशियन वाला स्टूडेंट भी दोनों बिल्कुल साथ साथ देगा जिसको ए एल पी बनना है वो साइको टेस्ट देगा जिसको टेक्नीशियन बनना है उसको सी बी टी टू के आधार पर पार्ट ए के आधार पर उसका मेरिट तैयार कर दिया जाएगा अब मान लीजिए कि हमको लोको पॉइंट में भी बनना है और हमारा लोको पॉइंट नहीं हो पाया तो हमको ए टेक्नीशियन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये कन्फ्यूजन है अगर आपकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है आपने इस पार्ट वन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आपकी रैंकिंग बन जाती है मेरिट आपका बन जाता है टेक्नीशियन में भी लोको पार्ट में भी तो आपके पास दोनों ऑप्शन है दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए और आप मान लीजिए कि टेक्नीशियन में सिलेक्टेड है आपको ज़्यादा नंबर है और लोको पार्ट का मेडिकल में जाके आपका छट गया तो क्या होगा आपको टेक्नीशियन बिल्कुल मिल जाएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो ये, ये फुल इंफॉर्मेशन है अब हम लोग आप लोगों से बात करेंगे हम अपनी बात करेंगे आप लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे आपको कोई गाइडेंस तो हम मिलना चाहिए ना तो गाइड बिना गाइडेंस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप कहाँ पे पढ़ाई करेंगे आपको इसके बारे में कौन बताएगा तो हमने जैसा कि आपको बताया स्टार्टिंग में ही हमने 2014 में और 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट को पास किया इसके अलावा मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को पास किया लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बताऊँगा मैं बताऊँगा दो में और दो में मैंने लोको पायलट का मतलब जो भी पढ़ दो में था हमने दे उसमें एक पेपर हुआ साइकोटे हुआ उसको मैंने पास किया उस पर फिर देखिए दो हजार अठारह में सी बी टी वन हुआ सी बी टी टू होगा उस साइको टेस्ट तीनों एग्जाम को मैंने पास किया लेकिन मैंने उसको नहीं किया हमारा पर्सनल रिजन है कभी बताएँ बात आएँ किसी वीडियो में तो फिलहाल आप लोग बताएंगे हम आपको गाइडेंस देंगे गाइड करेंगे और आपको हर एक सही गलत चीज़ की आपको जानकारी देंगे कैसे आपको तैयारी करनी है कैसे क्या करना है सब कुछ आपको बताएंगे गाइडेंस के रूप में गाइडेंस मतलब क्या कि हम आपको ये करो ये करो ऐसे करो ऐसे करो इसको पढ़ो इसको पढ़ो ऐसे दूसरी क्या चीज़ हो टीचिंग यानी कि कोचिंग आपको कहाँ पर जाकर पढ़ाई करनी है इतने सारे सब्जेक्ट है आपको कहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है आप वैसे कोचिंग आप कहीं भी करें ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है लेकिन आपको हमारी तरफ से जो सर्विसेज मिल सकती है उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं जैसे देखिए आप लोग इसके लिए बुक्स पढ़ेंगे बेस्ट बुक्स फॉर लोको पायलट तो लोको पायलट के लिए बहुत सारे बुक है अवेलेबल मार्केट में बहुत सारे बुक है मार्केट में अवेलेबल तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं जिसमें है, वाले, ये सब सारे बुक है। लेकिन हमने क्या किया, एक, एक किया लोगों तो लो ने इसका जिक्र सुना होगा मास्टर नोट्स का हम हमेशा बोलते हैं मास्टर नोट्स मास्टर नोट्स ले लो मास्टर नोट्स ले लो एग्जाम निकल जाएगी मास्टर नोट्स ले लो नाइन क्वेश्चन इसी में आते हैं आपने बहुत बार सुना तो है तो मास्टर नोट्स हमने बनाई है और इस मास्टर नोट्स को आपको लेना होगा हम खुद आपके घर पर भेज देंगे स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर की मदद से और उसके बाद देखिए कोचिंग के रूप में आपको क्या करनी है कोचिंग के रूप में आपको ज्वाइन करना है स्मार्ट वीडियो कोचिंग स्मार्ट वीडियो कोचिंग क्या है स्मार्ट वीडियो कोचिंग बेसिकली हमने जितना सारा वीडियो बनाया कोचिंग के लिए यही मास्टर नोट्स का जितना सारा टॉपिक है सबने हमको स्मार्ट वीडियो कोचिंग में वीडियो बनाया उसको हमने डाल दिया क्लाउड पे उसका लिंक वहाँ से निकाला हमने स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन बनाई उस एप्लीकेशन में डाल दी अब जो भी स्टूडेंट लोको पार्ट बनने के लिए हमारा इस वीडियो कोचिंग सब्सक्रिप्शन को लिया हमसे पेमेंट करके इसका लिंक लिया उसको हम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते उसके मोबाइल में फिर वो स्टूडेंट बिल्कुल लाइफ टाइम बिल्कुल जब तक तो उसके एग्जाम होने जाती तब तक वो उसी एप्लीकेशन में पढ़ाई करेंगे जो भी टॉपिक पढ़ना है मास्टर नोट्स से पढ़ाई रिवाइज करेंगे और उसी मास्टर नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन है स्मार्ट वीडियो कोचिंग वैसे आपको मास्टर नोट्स में भी सारा सॉल्यूशन है उसी को हम वीडियो कोचिंग में बिल्कुल समझा के आपको बताएं तो मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग का फुल कोर्स का जो प्राइस है वो कैश ऑन डिलीवरी में भी मिल आपको मिल जाएगी आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका एड्रेस हो आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी ये आपको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का फिलहाल ये कोर्स हमने रखा है इसको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग भी मिलेगी मास्टर नोट्स का हार्ड कॉपी भी मिलेगी सी मतलब कि आपका सी बी टी वन सी बी टी टू में जितने भी पेपर होते हैं सभी पेपर का हमने नोट्स बनाए वो सभी नोट्स को पैक करके आपके घर पे हम भेज देंगे कुरियर से कुरियर से हम भेज देंगे आप उसी कुरियर वाले को पैसा दीजिएगा और आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देगा इसके बाद आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा हम हाँ, आपको व्हाट्सएप पर मतलब वीडियो का लिंक वगैरह सब कुछ दे देंगे एप्लीकेशन का लिंक आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप पास नोट्स रहेगी आप उसको पढ़ाई कर लीजिएगा तो इससे आप बिल्कुल एक बार में एग्जाम को निकाल पाएंगे हम क्या बोलते हैं जब हम दो हज़ार चौदह में बनाए थे मतलब लोकपाल बने थे मतलब लोकपाल ज्वाइन नहीं किए थे उसमें सारा चीज़ हम पास किए उसमें हमारी उम्र थी कितना अठारह साल हम सिर्फ और सिर्फ अठारह साल की उम्र में लोकोपाल के सारे एग्जाम को पहले पास कर लिया था उसके बाद हम पढ़ा रहे थे तो आपको भी बिल्कुल एक ही बार में आपको निकालना है आप सोचें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है हमको इसको निकालना है तो निकालने के लिए बस आप मास्टर नोट्स पढ़ लीजिए वीडियो कोचिंग से पढ़ लीजिए कोई भी तरह की गाइडेंस आप हमें आपको हम यूट्यूब पर दे देंगे जानकारी आप वहाँ से देख लीजिएगा बिल्कुल तो ये वीडियो बस से इतना ही हम आपसे उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लाइक जरूर किए होंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे इस चैनल को अगर आप लोकोपाल्ट बनना चाहते हैं तो आप इसको जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और हाँ जो भी स्टूडेंट को आप लोकोपाल बनते हुए देखना चाहते हैं उसके बीच इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिए और उसको स्पेशली बोल दीजिए अभिषेक सर का ये चैनल है वो दो बार लोगों पर बन चुके हैं अगर आपको जानकारी चाहिए गाइडेंस चाहिए तो आप हमें हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आप उसको दे सकते हैं इस वीडियो का लिंक भी उनके साथ शेयर कर दिए व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे और इसके बाद और हम आप क्या बोले आप अगर पॉसिबल हो सके तो आप इस कोर्स को मंगवा लीजिए मंगवा ही लीजिए क्योंकि कोई भी कोचिंग आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा और हम खुद आपसे पढ़ाएंगे आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल आप बन जाएंगे लोको पायलट इससे पहले दो हज़ार अठारह की वैकेंसी में दस हज़ार से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने हमारे इस एग्ज़ाम को पास किया ऐसा कोई रेलवे स्टेशन हो नहीं होगा जहाँ पर हमारे स्टूडेंट वहाँ पर ड्यूटी नहीं कर रहे होंगे किसी भी पोस्ट में लोको पायलट हो ग्रुप डी हो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हो गुड्स गार्ड हो टी सी हो या फिर क्लर्क वगैरह बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट अभी ड्यूटी कर रहे हैं एक और तरीका है लोकोपाल्ट बनने का वो हम आप, आपको बताएंगे इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो कि ग्रुप डी के बाद आप लोकोपार्ट डायरेक्टली डिपार्टमेंट से कैसे बन सकते हैं उसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे उसको आप लोग जरूर ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को बंद तो करने का मन नहीं कर रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है आज रिकॉर्ड करके तो हमें उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा